दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे रूट्स के बारे में बताएंगे। ये इतने खतरनाक हैं कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर बैठते हैं और कमजोर दिल वाले इंसान तो इन रूटों पर यात्रा भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों को एडवेंचर करना बहुत पसंद है और वो बड़े शौक से इन जगह पर आते भी हैं। खतरनाक होने के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री इन मार्गों पर रोमांचक सफर को एंजॉय करने आते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रैक्स के बारे में। नंबर 1, एसो मिनामी रूट जापान। मिनामी एसो मार्ग जापान में सबसे खतरनाक रेल पटरियों में आता है, जो माउंट एसो के आसपास के क्षेत्र को पार करता है। साल 2016 में कुमामोटो में भूकंप आने के बाद ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से इस मार्ग का उपयोग बहुत कम हो गया है। आसपास ज्वालामुखी की सक्रियता इस रेल ट्रैक को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है। नंबर 2, चेन्नई से रामेश्वरम रूट इंडिया। विदेश ही नहीं, भारत में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां दिल थाम कर लोग यात्रा करते हैं। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला चेन्नई से रामेश्वरम रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक में शामिल है। इस रूट का ट्रैक, जिसे पवन ब्रिज कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण 1914 में किया गया था। नंबर 3, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन की भी गिनती खतरनाक रेल मार्ग में होती है। इसके अलावा चोरी और हमले की वारदातों को लेकर भी यह चर्चा में रहता है। यहाँ की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों से पीड़ित रहती है, जिसका सीधा असर संचालन को सुचारू रूप से चलाने पर पड़ता है। परिणाम ये होता है कि अक्सर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ जाता है। नंबर 4, साल्टा पोल वेरिलो ट्रैक अर्जेंटीना। साल्टा को चिली पोल वेरिलो से जोड़ने वाला 217 किलोमीटर लंबा ये रेलवे मार्ग है। इस खतरनाक ट्रैक को बनाने में तकरीबन 27 साल लगे थे। आम पब्लिक के लिए साल 1948 से इस रेलवे ट्रैक को चालू किया गया था। ये रेलवे ट्रैक 4200 की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें, इस ट्रैक के जरिए ट्रेनें 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है। इस ट्रैक को काफी खतरनाक माना जाता है। नंबर 5, डेविल्स नोज एक्वाडोर। यह रेलवे ट्रैक समुद्र तल से करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ट्रैक का निर्माण कार्य 1872 में शुरू हुआ और 1905 में रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है, इसके निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है। नंबर 6, व्हाइट पास और यूकोन रूट अलास्का। यह व्हाइट हार्ट्स यूकोन बंदरगाह को जोड़ता है। आपको बता दें, अलास्का के ट्रेन रूट पर आप सुंदर दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी 3000 फुट की ऊंचाई के लिए खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रैक को बनाने के लिए पहले पहाड़ों को विस्फोट करके तोड़ा गया था और उसके बाद ट्रैक बनाया गया था। नंबर 7, डेथ रेलवे थाईलैंड। डेथ रेलवे रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में से एक है। इस रूट पर ट्रेन म्यांमार की सीमाओं से होते हुए पहाड़, घने जंगल के इलाकों से होकर गुजरती है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस रेलवे रूट के निर्माण में हजारों कैदियों और स्थानीय श्रमिकों के खून पसीना बहाया गया था। इसके अलावा कई श्रमिकों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसी वजह से इस मार्ग को डेथ रेलवे कहा जाता है। नंबर 8, कुरुंडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया। ये रेलवे ट्रैक क्वींसलैंड में कैनर्ड से कुरुंडा को जोड़ने वाला एक सुरम्य और भयावह ट्रेन मार्ग है। कुरुंडा की यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसमें ट्रेन 15 सुरंगों और 37 पुलों से होती हुई खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिससे ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। 37 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। नंबर 9, पिलार्स रेलवे स्विट्जरलैंड। ये भी दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे रूट्स में से एक है। इस रूट पर यात्री 7000 फीट की ऊंचाई पर स्टेशन की यात्रा करते हैं। इस रूट पर ट्रेन अल्पना चसदात से पिलार्स कुलम तक जाती है और अल्पाइन घास के मैदानों और पहाड़ों के माध्यम से यात्रा करती है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है, जो विभिन्न रोमांचों से भरी हुई है। इस मार्ग के खतरनाक होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में यात्री इसकी रोमांचक राइड्स को एंजॉय करते हैं। नंबर 10, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड कोलोराडो। यह रेलवे ट्रैक दुनिया में सबसे खतरनाक पटरियों में से एक है, जिसे रॉकी पर्वत के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग पर भयानक अनुभव तब होता है, जब आगे से आने वाली भारी हवाएं ट्रेन को रोकती हैं और संतुलन बनाए रखना मुश्किल बनाती है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।